अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सर खैरियत होंगे। तो आज यार मैं पानी दे रहा हूँ सुबह सुबह, और यहाँ पे ये हमारे फूल देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे। गुलदाउदी की कलमें नहीं शाखें बहुत सारी निकल आई हैं। इनकी कलम मेरे हाथ से नाकाम हो गई, वो ग्रो नहीं हुई, इनकी रूटेंगे शुरू नहीं हुई। और इसके अलावा इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से जा रही है। और इसके अलावा आज मैं यार पानी दे रहा हूँ सब पौधों को, तो इन सबको पानी हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे कुछ हमारे पौधे रहते हैं। ये बोनसाई को पानी शावर में देता हूँ, लेकिन अभी ऐसे दे रहा हूँ। और इसकी रूट्स चेक करें बोनसाई की, ये देखें ये निकल आई है बाहर, पता नहीं क्यों। तो यार अभी मैं इनको सीड को पानी देता हूँ और इनके ऊपर शावर करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और इसके अलावा आज मैं यहाँ पे पौधे लगाऊंगा। एक ये फर पौधा है, इसको कल मैंने फर कह दिया था। नर्सरी वाले से पूछा मैंने, भाई इसका नाम क्या है, तो उसने कहा फर। तो एन की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, तो इसलिए मैंने समझा फर फर नाम है इसका, लेकिन इसका नाम है फर्न। अभी मैंने इसकी रिसर्च की है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा पौधा है ये। और सर्दियों में इसकी ग्रोथ चलती है, गर्मियों में थोड़ा परेशान हो जाता है। और उसके अलावा ये हमारा बेबी प्लांट, इसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला, इसकी भी रिसर्च करूँगा। और ये तकरीबन ये जितने आप पत्ते देख रहे हैं ये उतने ही ये पौधे हैं। तो एक एक पत्ते को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तीन करूँगा। एक दो तीन फर्न जो है वो ऊपर लगाऊँगा और ये बेबी प्लांट नीचे, ठीक हो गया। हाँ, ये सही लग रहा है मुझे। और इसके अलावा ऊपर मैं ऐसी बेल लगाऊँगा जो ऊपर की तरफ ना जाए बल्कि नीचे की तरफ आए, तो वो बेल मुझे देखनी पड़ेगी। शावर कर दूँ पौधों के ऊपर और सीड को भी पानी दे दूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने सबके ऊपर शावर कर दिया है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं प्लांट हमारे। ये देखें पानी के कतरे कैसे नज़र आ रहे हैं। और ये देखें यार, इनकी हालत कुछ नाजुक हो चुकी है पहले से। प्लांट्स की तो हालत नाजुक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो टेबल है वो भी नाजुक हो चुकी है बहुत। और इसकी रूट्स चेक करते हैं। रूट बहुत सारों की रूट्स निकल आई हैं। मैं इनको पानी दे देता हूँ, यार इनको पानी मैंने नहीं दिया। बस इतना काफ़ी है इसके लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यार, इस ट्राली की आप हालत देखें, मिट्टी फिर ये कब भी मज़े नहीं कर रहे, और सबसे प्यारा प्लांट हमारा इतनी बुरी कंडीशन में। तो यार सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसका करूँ कि आने वाले सीज़न में मैं इसको एक अच्छा प्लांट डेवलप कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। अभी क्या करना है, ये जो पौधे हैं इनको यहाँ पे शिफ्ट करना है अलग अलग। ये ऐसा प्लांट है कि ये बड़ा ही प्यारा प्लांट और फ़ायदेमंद प्लांट है। इसकी ख़ास बात यह है कि एक पौधे से ये हज़ारों पौधे बन जाते हैं जल्दी। इसको कैसे अलग अलग डेवलप करना है, तो आपने जुड़े रहने, वीडियो पूरी देखनी है आपने, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक तो लाजमी भाई। तो फिर मिलते हैं आपसे। यार तो मैंने इनको भी पानी दे दिया है और ये नीचे पड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल ही नहीं जाता कि यहाँ पर भी कोई हमारे पौधे पड़े हुए हैं। और अभी मैंने इनको पानी दे दिया है। ये तो इनकी मिट्टी कुछ सख्त है, तो ये इतनी जल्दी से ड्रेनेज नहीं करते जब तक ये जड़ें ना उठा लें। और ये डालते ही साथ भाई इसका पानी नीचे बह जाता है, तो इसलिए मैंने इसका दूसरी ट्रिक इस्तेमाल की है ताकि ये इसकी जड़ें पानी उठा सकें ईज़िली। जी तो दोस्तों, अभी शाम हो चुकी है और मैं आया हूँ उनको रिपोर्ट तो नहीं मतलब शिफ्ट करने इन छोटे छोटे पॉट में। शाम के वक्त आपने ये काम करना है, अगर आप धूप में करेंगे तो आपके पौधे पर काफ़ी असर पड़ेगा, उसकी वजह से आपका पौधा मर भी सकता है। फर्न का पौधा मैं लेकर आया हूँ और जो हमारा वो बेबी प्लांट है वो उधर ही पड़ा हुआ है। पहले मैं इनको शिफ्ट कर दूँ, उसके बाद फिर उस बेबी प्लांट को शिफ्ट करेंगे, तो आप इसको इंजॉय करें। तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पानी ले लें और गोबर की खाद सड़ी हुई बिल्कुल, और कुछ ये टूल्स पड़े हुए हमारे, और ये तो बोतल आपको पता ही है कि है
तो ये आप कपड़ा देख रहे हैं, ये बिल्कुल जाली नुमा कपड़ा है, इसमें एरेशन भी होगी और पानी बिल्कुल भी इसमें खड़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल जाली है और पतले सुराख वाली है, इससे मिट्टी भी ड्रेनेज होल से नीचे नहीं गिरेगी। तो ये देखें, इसका ढक्कन गुम हो गया था, मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है और एक टुकड़ा काट लेते हैं यहाँ से। कोई आप फालतू कपड़ा लें अपने घर से तो इसको पानी में थोड़ा भिगो लें। जी तो भाई, अभी आप ये कपड़ा देख रहे हैं, ये मैंने डाल दिया इसमें और अभी यहाँ से मिट्टी नीचे नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें कंपोज, गोबर की खाद, फर्टिलाइज़र। ये इसलिए मैं नीचे डाल रहा हूँ, जब पौधे की जड़ें नीचे पहुँचेगी तो यहाँ से खाद इनको मिल जाएगी और अपनी ग्रोथ जल्दी बढ़ा लेंगी वो और हमेशा हरी भरी रहेंगी। तो इतनी काफ़ी है इतने से पौधे के लिए। तो यहाँ पे हम रख देंगे, ये हमारा सेट हो चुका है। और इसके अलावा अब इसकी बारी है, इसको हम पत्थर नहीं देंगे। वो आवाज़ चल रही है भाई आज। ये पहले से इसके सुराख देखें छोटे हैं, अगर छोटे के सुराख हों तो उसको आप कपड़े से कवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो ये देखें भाई, इसको मैंने ऊपर से पानी दे दिया, अब ये बिल्कुल नीचे चिपक चुका है। और पानी देना आपने लाजमी है, अगर पानी नहीं देंगे तो कपड़ा अपनी जगह से हट सकता है। तो फिर इसमें भी वही सीन, थोड़ी सी खाद डाल लेंगे इसमें भी। आप बाहर से कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं किया, मैं करूँगा आगे चल कर। जी तो भाई, अभी हमारा मेन काम शुरू होता है, इसको बाहर निकालना है। और मेरा इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट बार निकाल रहा हूँ ऐसा पौधा। और ये सर्दियों में ग्रोथ करता है, गर्मियों में ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसको कैसे निकालना है, अभी तो इसके ऊपर वाले सिर्फ पत्ते ही गिर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बाउल निकाल दिया सारा, रूट बाउल, और इसके रूट्स आप चेक करें, ये देखें ये खुद ब खुद अलग हो रही है। और इसमें मैंने, आप मिट्टी इसके अंदर भर दें ताकि ये कोई परेशानी ना हो। तो ये इजीली अलग हो रही है खुद ब खुद, ये टूट जाए तो कोई मसला नहीं है। और ये क्या चीज़ है, गोल गोल, ये आपको गोल गोल नज़र आ रही है, ये इसका बल्ब है। तो यार इसको हम नहीं छेड़ेंगे, छेड़ेंगे। तो ये देखें, अभी इसकी बारी है अलग करने की, इसको आप थोड़ा ऊपर उठा के फिर फेंके तो सारी मिट्टी निकल जाएगी, सिर्फ जड़े ही जड़ें रह जाएगी। तो यार हवा लगने से पहले हम इसको अलग कर देते हैं। तो ये देखें भाई, अब ये जो दो हैं ये अलग अलग लगेंगे, ये जो दो हैं ये दोनों साथ लगेंगे, बाकी ये दो अलग अलग। तो इसमें लगा लेते हैं ये दो छोटे, इसकी हम जड़ें थोड़ी काट लेते हैं, यार काफ़ी बड़ी जड़ें हैं, बस इतनी काफ़ी है ताकि इसलिए अंदर वो चली जाएं। तो ये देखें भाई, फाइनली हमारा एक पौधा लग गया इसमें, तो इसको रख देते हैं इसी में और बाकी जो हमारे पौधे हैं उनको भी लगा लेते हैं। यार आप माशाल्लाह देखें, लुक चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है यार पहले से, और काफ़ी खूबसूरती भी हो गई है और दीवार भी अच्छी लग रही है। पहले वाइट वायर ऐसे मज़ा नहीं कर रही थी, अब जब बंदा
दूर से है ना, फिर इतना प्यारा लग रहा है। ये देखें यहाँ से, बड़ी अट्रैक्शन है इसमें और काफ़ी माशाल्लाह मज़ा दे रहा है देखने में, एक प्यारा लुक आ रहा है। और यार अभी ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पे पता नहीं और कोई लगेंगे या नहीं, लगाऊंगा यार लगाऊंगा मैं तो। ये मैं सोच रहा हूँ ये कील उखाड़ कर यहाँ पे लगाता हूँ थोड़ी ऊपर, ताकि ये और मज़ा करे। और इसके अलावा ये नीचे भी मैं लगाऊँगा, वो ये अंदर प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो ये मैं कल वाले वीडियो में सारा कुछ आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। ये काफ़ी प्यारा प्लांट है और काफ़ी डेवलप जल्दी होता है, तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने ये वीडियो देखनी है। और अगर इनके ऊपर कलर हो जाए ना फिर तो बस अलग बात हो गई। और यहाँ पे मैंने इनके ऊपर शावर कर दिया है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। और इसका फ्लावरिंग सीज़न आने वाला है, नाम क्या है इसका, गुलदाउदी। और ये इसके आप फ्लावर्स देखें, इसके फ्लावर्स निकल रहे थे लेकिन ये दीवार के साथ ऐसे टच था, ये ऐसे मैंने रखा हुआ था तो ये दीवार के साथ इसका फ्लावर्स टच थे, तो इसलिए फ्लावर्स कुछ हमारे उधर पड़े पड़े कुछ मतलब डैमेज भी हो गए। और दीवार के साथ टच रहेगा तो फ्लावरिंग इसकी होगी लेकिन बहुत कम, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया है ताकि ये तो बहुत ज़्यादा घूम गया, ये दोबारा घुमाता हूँ हाँ यहाँ पे, तो इसलिए मैंने घुमाया ताकि ये अपनी जगह पे सही खड़ा हो। और यार ये कुछ मज़ा नहीं कर रही, इसको डेकोरेट करना पड़ेगा, ये देखें बिल्कुल गंदा गंदा हो गया है। तो जब तक वो सीड भी हमारे बड़े हों वो भी फ्लावरिंग करेंगे। और ये देखें यार, आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि ये आपको पसंद आया या नहीं, लाजमी बताना है। तो फिर मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल शेयर में कार्डों को सब्सक्राइब करके फिर जाना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये चंपा का प्लांट, इसके नए नए शूट निकल रहे हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं और पत्ते भी निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।